फिर रात कटी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर बीत गई ऐसी बींग बड़ी, रब राखा बेलिया कल्याण हो। बताइए अमृता, हम आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं? हमारे परिवार को बचा लीजिए, इन जादुई जालों से उन्हें मुक्त कीजिए। अवश्य, पर आपको प्रवंचिका का ध्यान बटाना पड़ेगा ताकि वो हमारे किसी काम में विघ्न ना डाले। जी, हम उनका ध्यान रखेंगे। एक और आवश्यक बात, हम तीनों हम मात्र एक एक पुरुष की ही रक्षा कर सकते हैं। बताइए अमृता, आप किन तीन पुरुषों का जीवन बचाना चाहते हैं? ये कैसी दुविधा है साइना, अब किसकी जान की कुर्बानी दे? नहीं नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार से धोखा नहीं कर सकते। हमारे जगह अगर अर्जुन होते तो वो भी यही फैसला करते, और यही हमारा धर्म है। क्या हुआ अमृता, आपकी सोच में डूब गए? आप लोग पिताजी करण भाई सा और राहुल की जान बचा लीजिए। तीनों देवियां किसी तरह पिताजी करण भाई से और राहुल की जान बचा ले, लेकिन अर्जुन अमृता, नियति के संकेत को समझे और घर जाए, ये हमारी आज्ञा है। नियति देवी तो नहीं है, अब हम क्या करें, कैसे बचाए हम अपने अर्जुन? शाबाश अमृता, शाबाश, अपने परिवार को तो तुमने बचा लिया, कैसे बचाओगे अपने से? कैसे बचाओगे अपने माथे का सिंदूर? कैसे रक्षा करोगी अपनी मंगलसूत्र की? एक महान औरत की पहचान यही होती है। मगर तुम तो एक नागिन हो जो अपने प्रेम की खातिर इंसानी रूप लेकर पत्नी धर्म निभा रही हो, उसके लिए यह निर्णय मूर्खता ही कहलाएगा। कैसे बचाओगे अपने अर्जुन? अर्जुन बचा तब तो उसके शरीर में जो शैतानी आत्मा है उसे निकालकर वो तावीज तुम प्राप्त कर पाओगे, और अपने पिता के कातिल रुद्रा को खत्म कर पाओगे। रहा सवाल तुम्हारे सुहाग का, अब उसकी जान हमारे शिकंजे में है। अमृता, नियति के संकेत को समझे और घर जाइए।
ये हमारी आज्ञा है। हार गई तुम अमृता। अपनी किस्मत से हार गई तो। खो दिया तुमने अपने पति को। खो दिया। ये सब कुछ हमारे कारण हो रहा है। ये थी मामी आशीर्वाद देने नहीं आए। किस्मत ने फिर से हमें एक बार धोखा दे दिया। भाग्य ने हमसे हमेशा उसी को छीना जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे पिताजी को और अब अर्जुन को। दादी साहबी हमारे कारण मुसीबत, ना तो हम उस तांत्रिक भैरवनाथ से दुश्मनी मोड़ लेते और ना ही उस लॉकेट में वो उस शैतानी आत्मा को डालते और ना ही सब कुछ होता। हमें कुछ करना होगा क्योंकि ये सारी मुसीबतों की जड़ हमें है। ये दिमाग कहाँ है आपके? हम जल्दी से आए, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते, हमारे अर्जुन को बस आप ही बचा सकते हैं। आपको मान ये दिमाग कहाँ है? आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई अमृता। ये वही है जिनकी आपको प्रतीक्षा थी। नियति देवी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सुहाग की भी रक्षा मैं ही करूंगी।